हर एक अपने से बात करे, मुझे अपने वर्तमान जीवन को एंजॉय करना है, मुझे इस जीवन का आनंद लेना है। आप संसार में देखते होंगे, धनवानों को देखें, लोग जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को देखें, जीवन का सुख नहीं ले रहे हैं। जिसके पास जो कुछ है उसका सुख न लेकर, जो कुछ नहीं है उसकी प्राप्ति की उलझन में संसार का हर प्राणी भटक गया है। हम सभी विचार करेंगे, गहन चिंतन, स्वयं से बातें करें, जो कुछ मेरे पास है लौकिक और अलौकिक, क्यों न उसका आनंद लिया जाए। वर्तमान सुखद है, कल तो अवश्य सुखद होगा। जब आज हम बहुत श्रेष्ठ हैं, आने वाले कल में और श्रेष्ठ होंगे। आज हमारे पास धन है, कल और ज्यादा होगा। स्वीकार करें, ये संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। एक बहुत सुंदर रहस्य है ये संसार के चक्र को जो चलाता है। हमारे हर संकल्प में रचनात्मक शक्ति है। जो हम बार बार सोच रहे हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर रहा है। हम स्वयं क्रिएटर हैं अपने भविष्य के, अपने भाग्य के। संकल्प शक्ति ही भाग्य की शक्ति है, भाग्य का निर्माण करने वाली शक्ति है। बहुत ध्यान देना है हम क्या सोचते हैं। आज अधिकतर मनुष्यों के पास जो निगेटिव चिंतन का प्रकोप है, तूफान है, उससे हर मनुष्य अपने भविष्य का गलत निर्माण कर रहा है। हमें अच्छे सोचने में जाता ही क्या है। छोटा सा एक उदाहरण ले लें, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने एक एग्जाम दिया है, आपका पेपर कुछ ऐसा वैसा हुआ है, आप रोज सोच सोच कर दुखी हो रहे हैं, हाय मेरे तो बहुत कम नंबर आएंगे, क्या होगा इससे। क्यों ना सोचा जाए मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। हम अपने चिंतन को बहुत पॉजिटिव स्वरूप दें। फिर से वही बात आपके सामने, अपने वर्तमान जीवन का आनंद लें। जो प्राप्तियां हमें हुई हैं वो चारों युगों में किसी को नहीं होती, आनंद लें उसका। भगवान साथ दे रहा है, आनंद लें। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिल गया है, खोज समाप्त हो गई है, भटकन मिट गई है, ठिकाने पर आ गए हैं, क्यों ना आनंद लिया जाए। साकार में बाबा कहते थे, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को हजारों साल से भटकाया है, अब इसको शांत करने का सुख प्राप्त करो। कई लोग सोचते हैं कि बुद्धि तो आप ही भटकती है, हम थोड़ा ही भटकाते हैं। परंतु यदि आप अपने पर एक दृष्टि डालें तो बुद्धि को भटकाने की शुरुआत हर मनुष्य स्वयं करता है। यदि अपने उन विचारों को ठीक कर लिया जाए जहां से भटकन प्रारंभ होती है तो चित्त शांत हो जाएगा। एंजॉय करें अपने वर्तमान को। इसी संदर्भ में एक बहुत अच्छी धारणा, स्वीकार करने वाली बात हम कर रहे हैं। जैसा भी जीवन आपको मिला है, जिन आत्माओं के साथ भी रहने को आपको मिला है, जैसी भी बुद्धि आपको मिली है, परिवार मिले हैं, काम धंधे मिले हैं, धन मिला है, उसको स्वीकार करके चित्त को शांत करें। मेरे पास ये होता तो कितना अच्छा होता,
ये संकल्प छोड़ दें। हम सभी को जानकारी रहे हमें जो पार्ट मिला है वो परफेक्ट है, वो अति सुंदर है। कोई भी डायरेक्टर किसी भी एक्टर को जब पार्ट देता है तो उसकी योग्यता क्षमताओं के अनुसार ही देता है। कोई बहुत अच्छा एक्टर हो उसको कोई हल्का पार्ट नहीं देता। हमें जो पार्ट मिला है उसको स्वीकार करें। सभी अपने से बात करेंगे। मैं हंसी की एक बात कह दूं, एक लड़की की शादी हो गई किसी से। जो व्यक्ति था वो बहुत बोलता था, ये लड़की शांत स्वभाव की थी। पहले दिन से परेशान रहने लगी, वो सारा दिन बोले। मेरे पास आई, ज्ञान लिया था। इसे एक बात से उसका जीवन शांत हो गया कि अभी तुम्हें क्योंकि इसके ही साथ रहना है इसलिए इसे स्वीकार करके अपने चित्त को शांत करो। तुम्हारा चित्त शांत होते ही वो भी शांत हो जाएगा। और प्रैक्टिकल में ऐसा ही हुआ। उसका चित्त शांत हुआ, उसके वाइब्रेशन से उसका पति भी शांत होने लगा, उसकी बोलने की आदत मिटने लगी। वो थोड़ा थोड़ा उसको बोलती थी वो स्वीकार कर लेता था। हम अपने संकल्प के महत्व को समझें।